हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल रोहित। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जियो सिम की जो इंटरनेट की स्पीड है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो कई व्यूवर्स ने मेरे से बोला कि ये ट्रिक्स हमारे लिए काम नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं दूसरी ट्रिक्स आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों इससे आपकी 100% आपकी जो इंटरनेट की स्पीड आ रही होगी वो ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिना समय गवाए इस लाल बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सामने जो घंटी आ रही है इस पर भी क्लिक करके आप मतलब इस घंटी को भी बजा दीजिए, क्योंकि हम हमारे जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पढ़ सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पीड टेस्ट अभी करके दिखा देता हूँ कि कितनी मेरी अभी इंटरनेट की स्पीड आ रही है। और दोस्तों आज मैं इसमें किसी भी तरह का VPN यूज़ नहीं करूँगा। मैं आज आपको न्यू APN सेटिंग से इंटरनेट की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करके दिखाऊँगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं स्पीड। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस ट्रिक से आपके इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की मूवीज़, गेम्स या किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो हम हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए उस पर एक वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है वो कुछ 1.55 MPPS की स्पीड आ रही है। आप अपलोडिंग स्पीड देख लेते हैं कितनी आ रही है। सॉरी इसके लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो अपलोडिंग की स्पीड है यहाँ पर आ रही है 3.27। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आप अपने सेटिंग्स में आ जाइए, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना है मोर में। जाने के बाद आपको जाना है सेल्यूलर नेटवर्क में। इसके बाद आपको जाना है APN एक्सेस पॉइंट नेम में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दो APN आ रही हैं। एक जो आप देख सकते हैं इंटरनेट के नाम से, और एक है ट्रिक्स के नाम से। तो मैं अब आपको दूसरी वाली बता रहा हूँ। तो दूसरी वाली मैंने पहले से ही बना ली है, मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसमें सेटिंग्स क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों नेम में इसमें लिखना है आपको ट्रिक्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ट्रिक्स लिख लिया है। और APN में आपको क्या लिखना होगा, जियो 4G डेटा। और APN टाइप में आपको डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और प्रॉक्सी खाली छोड़ना है, पोर्ट भी खाली छोड़ना है, यूज़र नेम भी खाली छोड़ना है, पासवर्ड भी खाली छोड़ना है, और सर्वर में आपको लिखना है www.google.com। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर APN प्रोटोकॉल में आप देख सकते हैं IPv4, IPv6 देख लीजिए, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4, IPv6 ही रहने दीजिएगा। और लास्ट सेटिंग है इसमें बैरियर। तो बैरियर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर LTE सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ऑप्शन में जाके इस APN को सेव कर लीजिएगा, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इंटरनेट की जो स्पीड आ रही है वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने टेस्ट अगेन कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, देखते हैं कितनी स्पीड आती है। तो दोस्तों देख सकते हैं पहले से ही इंक्रीज़ हो चुकी है स्पीड, लगभग 6, 7, 8, 8, 8.5, 9, 10, 10.5 MPPS के करीब तकरीबन आ रही है स्पीड। अब अपलोडिंग स्पीड देख लेते हैं कितनी आ रही है।
तो अपलोडिंग स्पीड कुछ ख़ास नहीं आ रही है, तकरीबन 1.5 MBPS के करीब आ रही है, 1.21 MBPS। तो दोस्तों इस ट्रिक्स की मदद से आप अपने इंटरनेट की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।